हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं गाइस आप सभी ठीक होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यामाहा की अपकमिंग न्यू MT-15 के बारे में। अब दोस्तों, आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले यामाहा की तरफ से RN5 को चेंज कर दिया गया, जो कि न्यू RN5M एंड RN5V4 के नाम से आई है। अब सभी की निगाहें MT-15 को लेकर है कि भाई MT-15 कब चेंज हो रही है, बाइक में क्या क्या नए चेंजेस आएंगे। गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो बाइक है ना, आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। क्योंकि गाइस, आपको मैं बता दूँ, इंडियन मार्केट में जो यामाहा है गाइस, अपनी बाइक्स को काफ़ी जल्दी ये लोग अपग्रेड करते रहते हैं और नए नए फीचर्स बाइक में प्रोवाइड करते रहते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है कि बाइक कब तक आएगी और क्या क्या अपग्रेड होने वाले हैं इस बाइक के बारे में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों यही बात करने वाले हैं MT-15 के बारे में, नेक्स्ट जनरेशन MT-15 कैसी होने वाली है। चलिए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोज अपडेट रह सके। चलिए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे अपकमिंग यामाहा MT-15 के बारे में। गाइस, MT-15 में बहुत सारे फीचर्स अभी भी हैं, बाइक की सेलिंग भी काफ़ी अच्छी होती है, बाइक को लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, लेकिन अभी भी बाइक में कुछ कमियां हैं गाइस, जो कि आप लोगों को इस कमियों को दूर किया जाएगा न्यू अपग्रेड में। प्लस गाइस, RN5V4 में जो फीचर्स आए, बहुत सारे फीचर्स आए उसमें, वो भी फीचर्स आपको न्यू MT-15 में देखने को मिलने वाले। क्या क्या फीचर्स रहेंगे, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले गाइस, न्यू MT-15 में आप लोगों को किक शिफ्टर देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस बाइक में आपको 110% किक शिफ्टर देखने को मिलेगा। और अगर इन केस मान लीजिए, अगर ब्रांड आप लोगों को इसमें किक शिफ्टर नहीं भी देता, तो किक शिफ्टर इंस्टॉल करने का ऑप्शन आपको बाइक में दिया जाएगा। क्योंकि गाइस, मैं आपको बता दूं, यामाहा का जो इंजन है, RN5 और MT-15 का इंजन, वो पूरा सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम इंजन दोनों बाइक में यूज़ किया जाता है नॉर्मली। लेकिन गाइस, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि फीचर्स में यामाहा थोड़ा सा दोनों बाइक में कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, MT-15 में अभी भी सिंगल चैनल ABS आता है, RN5 में आपको डुअल चैनल ABS मिलता था। ये सबसे बड़ा मिसिंग पॉइंट हमें देखने को मिलता था MT-15 में। बट गाइस, इस बार आप लोगों को बाइक में डुअल चैनल ABS, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल चैनल ABS भी देखने को मिलेगा। प्लस बाइक में किक शिफ्टर भी मिलने वाला है, बाइक में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको बाइक में देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करें, जो कि बहुत दिनों से आप लोग वेट कर रहे हो कि भाई MT-15 में यामाहा कब तक भाई अपसाइड डाउन सस्पेंशन देगा, जो कि फिलहाल अभी तक आप लोगों को MT-15 में देखने को नहीं मिला। वैसे तो RN5V3 में भी देखने को नहीं मिला था, अब उसे अपग्रेड करके RN5V4 दिया गया, तब जाकर आप लोगों को बाइक में न्यू अपसाइड डाउन फॉक्स मिले। वही सेम अपसाइड डाउन गोल्डन सस्पेंशन आप लोगों को MT-15 में 110% मिलने वाले इस अपग्रेड में। तो ऑब्वियसली बात है गाइस, ये अपग्रेड होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग वेट भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि गाइस MT-15 में इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी है। बात करते दोस्तों नेक्स्ट अपग्रेड के बारे में, तो वो होने वाला बाइक का स्पीडोमीटर। अब देखिए, स्पीडोमीटर में आपको बता दूँ, कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि भाई जो RN5 में न्यू स्पीडो मीटर आया, क्या MT-15 में आएगा। देखिए, इसके चांसेस में ना, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि इसके चांसेस थोड़ा सा कम है। क्योंकि गाइस, मुझे लगता है कि MT-15 में आप लोगों को न्यू स्पीडोमीटर तो रहेगा, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों को नया मीटर देखने को मिले, लेकिन 50-50 चांसेस है। क्योंकि दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, अगर यामाहा के पास एक्चुअल में पहले से एक स्पीडोमीटर अवेलेबल है, तो वो कोशिश करेंगे कि भाई ये स्पीडोमीटर इस बाइक में यूज़ किया जाए, है ना, ये चांसेस भी है काफ़ी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों, बाइक में आप लोगों को थोड़ा हट के स्पीडोमीटर इस बाइक पर देखने को मिलेगा, लेकिन नया स्पीडोमीटर मिलेगा ये बात तो आप जान लीजिए। प्लस दोस्तों, इसमें आप लोगों को मोबाइल कनेक्टिविटी भी दी जाएगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब RN5 में V3 में भी मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं दिया गया, अब V4i AMI, तो उसमें आप लोगों को मोबाइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई। यामाहा की लगभग सभी गाड़ियों में अभी मोबाइल कनेक्टिविटी आती है, सिर्फ और सिर्फ MT-15 है जिसमें आप लोगों को मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं मिलती। तो अब इस अपग्रेड में आप लोगों को इस बाइक में मोबाइल कनेक्टिविटी भी देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, बात करें बाइक के लुक के बारे में, तो लुक में देखिए, मैं आपको बता दूँ, जो लुक रहेगा बाइक का वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंजेस किया जाएगा, ज़्यादा चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अभी भी बाइक का जो लुक है वो काफ़ी प्यारा लगता है। प्लस दोस्तों, कहा जा रहा है कि इस बार यामाहा जो है बाइक को थोड़ा सा वेट बढ़ा सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि MT-15 बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, शायद उस चीज़ में यामाहा थोड़ा सा ध्यान दे सकता है। प्लस इसकी जो पिलियन सीट है, यहाँ पर भी थोड़ा सा काम किया जाएगा, क्योंकि बाइक की जो पिलियन सीट है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है गाइस, और आप लोगों को पता है कि इससे पिलियन को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एंड गाइस, मैं उन लोगों के लिए बता दूँ कि जो अभी बाइक लेना चाहते हैं, भाई मैं उनको बोलना चाहूँगा कि
देखिए एकदम ज़्यादा अर्जेंट आप लोगों की नहीं कि मुझे हमें बाइक चाहिए तो फिर आप बाइक ले सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि थोड़ा सा वेट कर लो, लगभग 1 से 2 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 महीने वेट कर लो या आप लोगों को न्यू MT15 देखने को मिलेगी। क्योंकि ऑब्वियसली बात है इंडियन मार्केट में बाइक के बीच में कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और ऑब्वियसली बात है जितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहेगा भाई यामा या हर ब्रांड अपनी बाइक को अपग्रेड करेगा। वैसे अगर बात करें बाइक के प्राइस के बारे में तो ऑलमोस्ट जैसे R15 में लगभग 10,000 रुपीज़ यानी कि 10,000 रुपये के आसपास का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ किया गया, लगभग उतना ही प्राइस इस बाइक में भी बढ़ाया जाएगा, उससे ज़्यादा प्राइस आप लोगों को इस बाइक में देखने को नहीं मिलने वाला। प्लस दोस्तों अगर बात करें लॉन्च डेट के बारे में कि एक्चुअल में कब तक लॉन्च हो सकती है बाइक, तो मैं आपको बता दूँ ये बाइक आपको ऑलमोस्ट नेक्स्ट ईयर के जैन मंथ यानी कि फर्स्ट मंथ जनवरी में आप लोगों को ये बाइक देखने को मिल सकती है। ये बात सामने आ चुकी है यामाहा की तरफ से। अब देखते हैं कि कब तक इंडियन मार्केट में बाइक उतारी जाएगी, बट बहुत जल्द आपको ये बाइक देखने को मिली। और ऑब्वियसली बात है भाई अभी के डेट में स्पोर्ट्स सेगमेंट में यामा का कोई तोड़ नहीं है, बाइक्स भाई बहुत ज़्यादा अच्छी बना रहा है यामा। अब देखते हैं कब तक फाइनली आपको ये बाइक देखने को मिलेगी। सो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की इंटरेस्टिंग वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोज़ अपडेट रह सके। जय हिंद, वंदे मातरम।